हाँ तो जान ये वाला शायद एडिटिंग वीडियो आप लोग को YouTube पे मिलेगा नहीं, 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये वाला शायद आप लोग को YouTube पे वीडियो मिल जाए, मुझे 100% पता है नहीं मिलेगा, ठीक है ना मेरी जान। तो आदेश भाई आप लोग का एडिटिंग बहुत ही आज की इस वीडियो में आसान कर दिया है, एंड सेम कुछ इस तरीके से हेयर के ऊपर कैसे हाईलाइट आप लोग कलर करेंगे, एंड साथ ही साथ फेस को कैसे आप लोग हाईलाइट में डालेंगे, एंड यहाँ से बहुत ही कम टाइम में पूरा टोटल मिला जुला के बहुत ही कम टाइम में फेस स्मूथ एडिटिंग आप लोग को सिखा देंगे। तो वीडियो को लाइक फॉर लाइक, चले जाए मेरे अंदर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिफोर में फोटो बहुत ज़्यादा रफ है एंड हम लोग का बैकग्राउंड भी रफ है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है जान। एक एक स्टेप समझाएंगे, एक एक स्टेप सिखाएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग पछताएंगे, ठीक है ना मेरी जान। तो यहाँ से हम लोग का ओरिजिनल फोटो शेयर हो गया है, ठीक है, एंड शेयर करने में सिंपली अब आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो मैं स्टेप बताऊँगा हो सके तो आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, स्क्रीन शॉट, एंड नहीं समझ में आता तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मेरे जान यहाँ पे आप लोग को आ जाना होगा, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली ऊपर एक प्लस वाला आइकन रहता है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं प्लस वाला आइकन आ जाएगा, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक प्यारा सा लेयर बन जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। एंड लेयर बनाने में अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ पेंसिल आइकन रहता है, तो बहुत सारा ब्रश मैं बता दिया हूँ, बहुत सारा सेटिंग आप लोग को अभी तक नहीं बताया हूँ, तो आज की इस वीडियो में पूरा खुल करके मैं सिखाने वाला हूँ एडिटिंग, मैं अपने फेस को कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर होगा, ठीक है, वन ये है, टू ये है, एंड थर्ड ये है, ठीक है ना। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है, फोटो जूम करने में अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली कलर ऑप्शन पर आ जाइएगा, एंड यहाँ से आप लोग को बीच में बहुत सारा कलरफुल मिल जाएगा, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा। सो दोस्तों व्हाइट सेलेक्ट करने का सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, एंड जो आप एक लोग लेयर बनाए होंगे आप लोग, ठीक है ना मेरी जान, लेयर आप लोग बनाए होंगे उस पर क्लिक करके नॉर्मल पे आ जाइएगा, एंड यहाँ से आप लोग को सॉफ्ट लाइट कर लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, सॉफ्ट लाइट क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों सॉफ्ट लाइट क्लिक करना कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना होगा, एंड उसके बाद हल्के हाथों से आप लोग अपने फेस के ऊपर पेंट कीजिएगा। सो दोस्तों जैसे मैं अपने फेस के ऊपर पेंट कर रहा हूँ सेम मेरी जान ना आप लोग भी अपने फेस के ऊपर पेंट ही करना है, ठीक है ना। एक बार नहीं समझ में आता फिर से आपको दिखा सकते हैं मैं, ठीक है, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वाला ब्रश यूज किया, सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, ओपेसिटी को 100, एंड इस वाले ऑप्शन पे आकर के एक लेयर में बनाया, लेयर बनाया सिंपली लेयर पर क्लिक किया, सॉफ्ट लाइट क्लिक कर दिया, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से आप लोग फोटो को जूम आउट करके साइज को बढ़ा लीजिएगा, एंड उसके बाद जल्दीबाजी में आप लोग को नहीं करना है, ठीक है, जो भी काम कीजिएगा एडिटिंग में हल्के हाथों से एंड बिल्कुल हल्के हाथों से स्लो मोशन में आप लोग अपने फेस के ऊपर जैसे अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों आप लोग बिफोर आफ्टर देख ही सकते हैं, पहले यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है, एंड जैसे मैं ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ तो सेम व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है ना मेरी जान। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, एंड वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो 100% मेरी जान बहुत ज़्यादा आप लोग पछताएंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग को एक एक स्टेप आर्टिस्ट भाई क्लियर करके आप लोग को सिखा देने वाला है, ठीक है ना। जो आप लोग थंबनेल पे क्लिक करके आए थे सेम उसी तरीके से ना आप लोग एडिटिंग सीख करके जाएंगे 100%, ठीक है ना मेरी जान। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बातों बातों में मैं अपने आधा फेस को गोरा कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं वीडियो को भगा करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आरडीएक्स भाई आप फेस को स्मूथ करते हो या फेस को गोरा करते हो, तो हर यूट्यूबर क्या करते हैं वीडियो को भगा देते हैं। हाँ मेरी जान मैं भी भगा देता हूँ, बट आज की इस वीडियो में रियल तरीके से सिखाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एंड वीडियो को फास्ट नहीं कीजिएगा आप लोग भी, एंड स्लो मोशन में देखिएगा तो अभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में मैं बात करते करते एडिटिंग सिखाते सिखाते आप लोग से, एंड यहाँ पे मैं अपने फेस को गोरा कर दिया, ठीक है ना मेरी जान। एंड इतना करना सिंपली देखिए काफ़ी ऑसम तरीके से लग रहा है, ठीक है ना मेरी जान। एंड इतना करना सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है, एंड इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, एंड ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, HSL ऊपर, ठीक है, एडजस्टमेंट, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करके एंड यहाँ से, ठीक है ना, इसका ये वाला ऑप्शन 100 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। एंड उसके बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से आप लोग चले जाइएगा लेयर वाला ऑप्शन पे, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा लाइब्रेरी में, एंड यही ब्रश फिर से हम लोग यूज करेंगे, फिर से कलर ऑप्शन पे आ जाएंगे, एंड कलर पर क्लिक करके आप लोग को रेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से कोई सा भी अच्छा वाला रेड हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एंड सेलेक्ट करने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, लेयर पे क्लिक करके एंड फर्स्ट वाला लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे, एंड यहाँ से सॉफ्ट लाइट, ठीक है ना मेरी जान, इतना बहुत ज़्यादा आप लोग को समझ में वीडियो आ रहा होगा, ठीक है ना। सॉफ्ट लाइट क्लिक करने में सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस के ऊपर नहीं अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ आप लोग अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है,
एंड यहाँ से साइज को कम कर लेते हैं, हल्का सा साइज कम कर लेंगे एंड उसके बाद अपने मैं ओठ के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो हमारा ओठ रेड हो जा रहा है, ठीक है ना जान, एंड आप लोग का भी हो जाएगा। बस शुरू से लेकर के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो दोस्तों इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, इतना करना सिंपली आप लोग फिर से इस सॉल्यूशन पे आकर के एंड फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके इसका ऑपेसिटी हल्का सा कम करके एंड इतना करना सिंपली। अब आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर देखिए इस सॉल्यूशन पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक कर लीजिएगा आप लोग एंड सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करके इस फोटो को आप लोग सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो मेरी जान हम लोग सेव कर चुके हैं गैलरी में फोटो को, ओरिजिनल फोटो को जो हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर से बना करके लाए हैं एंड जो मैं आप लोग को थंबनेल में दिखाया, बिफोर आफ्टर में दिखाया, अभी ये फोटो ये है, ठीक है, ये फोटो है जो मैं ओरिजिनल आप लोगों को दिखाया एंड हल्का सा ऑटोडेस्क स्केचबुक के एप्लीकेशन के अंदर हल्का सा एडिटिंग किया। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अंतर आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, एंड इस फोटो को शेयर कर लेना होगा फिर से स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों इतना खुल करके कोई एडिटिंग नहीं सिखाता है मेरी जान, ठीक है ना, रियल सिखाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। एंड फिर से पेंसिल आइकन पे आकर के डिटेल्स पे क्लिक करके इसका स्ट्रक्चर 49- एंड शार्पनिंग को आप लोग को 100+ कर देना है एंड इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों डन करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टूल्स बहुत सारा सेटिंग आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को क्या क्लिक करना है पता है मेरी जान, सिंपली आप लोग क्लिक कर लीजिएगा ट्यून इमेज पे एंड इसका सिचुएशन 100- करके यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करना सिंपली शेयर के बगल में ऊपर देखिए एरो का निशान है उस पर आ जाएगा, वीडियोज पे आ जाएगा एंड ट्यून इमेज ब्रश आइकन पे क्लिक करके सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा अपने बैकग्राउंड को डार्क ब्लैक कर लीजिएगा, ठीक है ना जान, जैसे मैं डार्क ब्लैक कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को कर लेना होगा फोटो को जूम करके, ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा एंड यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आप लोग को हाथ चलाना है यानी मतलब अप्लाई करना है, सॉरी जान, ठीक है, अप्लाई कीजिएगा एंड यहाँ से देखिए कितना औसम तरीके से मैं पूरा कर दिया। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना है एंड फोटो में आप लोग क्वालिटी देख ही सकते हैं, ठीक है ना, फोटो में क्वालिटी आप लोग देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आकर के सेलेक्टिव पे क्लिक करके हल्का सा आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना है एंड डन करना फिर से अब आप लोग को क्या करना होगा बिफोर एंड आफ्टर, देखिए मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप लोग इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लेकर के ओरिजिनल फोटो को लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे मैं देखिएगा सिर्फ दो सेटिंग अप्लाई करूंगा उसके बाद आप लोग फोटो में क्वालिटी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, देखिएगा कितना औसम तरीके से मैं किया हूँ। कलर ऑप्शन पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक करके सेकेंड नंबर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, सॉरी थर्ड नंबर पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन 100- एंड इस वाले ऑप्शन पे आकर के इसका लुमिनस हल्का से बढ़ा लेंगे एंड सेचुरेशन को आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा एंड अब आप लोग फोटो में क्वालिटी बताइए कितना धांसू तरीके से मैं ला करके आप लोग के सामने दिखा दिया बिफोर एंड आफ्टर एंड इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग शेयर कर ही लेते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, नहीं तो आप लोग बोलेंगे यार आरडीएक्स भाई वीडियो काट करके दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो सेम आप लोग देखिए हम लोग का फोटो शेयर हो चुका है एंड शेयर होने में अब आप लोग क्या कीजिएगा पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा लाइब्रेरी में एंड यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग बहुत सारा ब्रश रहता है, ठीक है ना मेरी जान, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, जो आर्टिस्ट भी बताएगा सिर्फ वही आप लोग ब्रश यूज कीजिएगा, ये वाला ब्रश न्यू है, ठीक है, इस वाले ब्रश पे क्लिक कर देंगे सेटिंग वाले सन पे आ जाएंगे, इस वाले सन पे आ जाएंगे एंड आप लोग को स्मूथ कर लेना होगा एंड फालो को 31 कर लीजिएगा एंड स्टेन को आप लोग को 36 यानी 36 एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरी जान। एंड आप लोग के सामने देखिए मैं बिल्कुल हाई क्वालिटी एंड फुल HD स्मूथ करके फेस को दिखाऊंगा, ये जो सर्कल है एंड इसके बीच में आप लोग देखिएगा इतना अच्छे तरीके से मैं फेस को स्मूथ करके दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पे जैसे मैं अपने ब्रश को अप्लाई करूँगा अपने फेस के ऊपर तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कितना औसम तरीके से बिल्कुल धांसी तरीके से, ठीक है, वो भी धांसू तरीके से, सॉरी जान, बिल्कुल धांसू तरीके से, वो भी खतरनाक तरीके से हम अपने फेस को स्मूथ कर रहे हैं एंड सेम आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे, एक एक स्टेप फॉलो किए होंगे तो आप लोग मेरे जैसा बिल्कुल एडिटिंग आज का वीडियो देख करके सीख जाएंगे एंड सीख गए होंगे, ठीक है ना मेरे जान। तो आशा करते हैं मेरे जान लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी आरडीएस भाई अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से मेरी जान, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्धवा, ठीक है ना मेरी जान। आप लोग स्लो मोशन में कीजिएगा, हल्के हाथों से स्मूथ कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।